प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं और ये है आपकी इंग्लिश वर्कशीट नंबर 79 जो आज आपको 2 फरवरी 2021 को करनी है फॉर क्लास 9th शेड्यूल्ड टू बी डन ऑन 2 फरवरी। यस, टुडेज वर्कशीट इज बेस्ड ऑन द पोम द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। एज वी नो, हम सब जानते हैं कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट नेचर से हमें बहुत सारी लर्निंग्स देते हैं, बहुत कुछ सिखाते हैं। तो ये द रोड नॉट टेकन हम लोग पूरी रिवीजन कर चुके, पूरा अब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, तो ये आपके लिए रिवीजन एक्सरसाइज है। बेटा, आपका जैसे एग्जाम में भी आने वाला है कि आपको इस तरह से RTCs दिए जाएंगे और RTCs के बेस पे आपको आंसर करने हैं। आपका 50% ऑफ क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप है, तो बार बार आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जा रही है, हाउ टू गेट द राइट आंसर फ्रॉम द गिवन आंसर्स। MCQs में आपको ये बेनिफिट होता है कि आपके पास 4 ऑप्शंस हैं जिसमें से 2 बिल्कुल गलत आपको पता चल जाते हैं और 2 में से अगर आपके अंडरस्टैंडिंग है तो आप करेक्ट वन इजीली फाइंड आउट करते हैं और 100% मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। नाउ लेट्स बिगिन विद द वर्कशीट। Then took the other just as fair and having perhaps the better claim because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had worn them really about the same. तो जैसा आपको पता है बेटा, डिसीजन मेकिंग लाइफ में, डिसीजन मेकिंग के लिए आपके बहुत से ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं, ऐसे मौके आते हैं जब आपको डिसीजन लेना होता है। और यहाँ डिसीजन मेकिंग, क्या डिसीजन ले, ये प्रोसेस है, कौन सा डिसीजन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने रोड्स के थ्रू हमारी लाइफ को सिंबलाइज किया। देन टुक द अदर, उन्होंने दूसरी रोड लिया, दूसरी रोड को ऑप्ट किया, जस्ट एज फेयर वो भी उनको उतनी अच्छी लग रही थी, एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम और उसे बेटर लग रही थी, क्यों, क्योंकि इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर, वो ग्रासी थी, उसे किसी ज़्यादा लोगों ने यूज़ नहीं किया था, दो एज फॉर दैट पासिंग देयर कुछ लोग वहाँ से बेटा हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, तो बहुत ही कम लोग गए हैं अगर वहाँ से गए हैं तो, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, कोई स्टेप नहीं आया जिसने उन लीव्स को ट्रोडन ब्लैक कर दिया, रगड़ रगड़ से वो काली हो गई हों, या लीव्स को देख के हमें ये लग रहा हो कि यहाँ से कोई पासर बाय, कोई यहाँ से गया हो। ओ आई केप द फर्स्ट फॉर अनदर डे, लेकिन उनका ये मन भी है कि नेक्स्ट टाइम अगर मुझे चांस मिला तो मैं दूसरे रास्ते से तब जाना चाहूँगा, येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक, और मुझे डाउट है कि दोबारा मैं इस पॉइंट पे, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कभी वापस आ पाऊंगा। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज राइम स्कीम ऑफ द गिवन स्टैंजा। तो बेटा राइम स्कीम क्या होती है, राइम स्कीम होती है तुकबंदी। तो ये देखिए, आपकी राइम स्कीम के लिए आपको लास्ट जो वर्ड्स हैं इनको देखना है, ये किससे राइम कर रहे हैं। तो देखिए, फेयर को अगर मैं ए से डिनोट करती हूँ तो क्लेम और फेयर जो है वो राइम नहीं कर रहे हैं, तो इसको मैंने बी से डिनोट किया। देन वियर, फेयर एंड वियर राइमिंग है। आर देखिए लास्ट में, आप उसकी स्पेलिंग से भी पहचान सकते हैं, उसकी साउंड को पहचानिए। देयर, र आ रहा है लास्ट में, उसके साउंड को प्रोनंसिएशन से देखिए, ए बी ए ए। देन सेम इज क्लेम, तो ये आ गया बी। तो आपकी राइम स्कीम यहाँ पे हो गई ए बी ए ए बी। यस, नाउ द नेक्स्ट पैसेज, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, इसको ए से किया अगर हमने डिनोट तो ब्लैक इज डिफरेंट, सो ब्लैक बी। देन डे एंड ले बोथ आर सेम राइमिंग, तो ये ए आ गया आपका बेटा। तो अब देखिए हम ये वाले पैसेज को करते हैं, यहाँ पे ए बी ए एंड डे वे दे आर राइमिंग, ए बी ए ए बैक एंड ब्लैक बोथ ऑफ देम राइमिंग बी। Then again our rhyme scheme is A B A A B. Now look at the options. What is the rhyme scheme of the given stanza? First option, we have got in the first option our answer A B A A B. Both the stanzas A B A A B. ये दोनों stanzas के लिए दिए गए हैं बेटा, comma डाल के first stanza and second stanza. तो हमारा जो सही answer है वो option A है. The roads have been used एज अ सिंबल ऑफ, तो बेटा रोड सिंबल ऑफ किसका है, एक्सपेक्टेशन फ्रॉम लाइफ, नहीं यहाँ एक्सपेक्टेशन की बात नहीं आ रही, यहाँ और यह चॉइसिस मेड बाय अ पर्सन, चॉइसिस मेड बाय अ पर्सन,
यहाँ लाइफ को सिंबलाइज कर रहे हैं, यहाँ हमारी चॉइसेस के लिए सिंबलाइज किया जा रहा है। तो देखिए अब हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, द फ्रेज ट्रोडन ब्लैक कॉरेस्पॉन्ड्स टू, तो बेटा ट्रोडन होता है घिसा हुआ, घिस कर काला कर दिया, पत्तियों पर ये फील होता है कि यहाँ से कुछ लोग गए हैं, तो समथिंग सड़ा हुआ नहीं है, यहाँ पे है ट्रेवल्ड, यहाँ ट्रेवल्ड से रिलेशन है कि यहाँ से कुछ लोग गए, अगर बहुत ज़्यादा उसके ऊपर से जाएंगे तो ट्रोडन अलॉट, उसके ऊपर यहाँ पर ट्रोडन अलॉट का क्या आएगा, ट्रेवल्ड अलॉट, ट्रोडन ब्लैक यानी कि ट्रेवल अलॉट। वाई डिड द पोएट सिलेक्ट द ग्रासी रोड, तो पोएट ग्रासी रोड को क्यों सिलेक्ट करते हैं, इंजॉय ग्रीन रिंग, नो, टू मेक अ डिफरेंस, कुछ अलग करने के लिए वो ग्रासी रोड को ऑप्ट करते हैं। टू प्रूव हिज पॉइंट, नो, टू अवॉइड पीपल, ऐसा कुछ नहीं है कि वो लोगों को अवॉइड करना चाहते हैं, वो कुछ नया करना चाहते हैं। आप EMC की वर्कशीट में भी इस बार 25th वर्कशीट में देख रहे हैं, टेक रिस्क, अगर आपको कुछ लाइफ में नया करना है, कुछ हटके करना है, तो आपको एक बार रिस्क लेना पड़ेगा कि इस रोड पे अगर कोई नहीं गया है, मैं जाके देखूंगा, मुझे वहां से कुछ नया, एडवेंचरस जो पर्सनालिटी हैं, जो कुछ नया करना चाहती हैं, कुछ अलग करना चाहती हैं, वो रिस्क टेकिंग एक्टिविटीज़ करती हैं और बहुत सक्सेसफुल होती है। क्योंकि बेटा अगर आप अपना 100% देंगे ना किसी भी चॉइस को, आप किसी भी काम को करें, अगर आप उसमें 100% एफर्ट्स दे रहे हैं, तो आप 100% आपको सक्सेस मिलेगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सम ऑफ द पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड इन द गिवन स्टैंजा आर, बेटा देखिए राइम्स की अभी हम कर चुके हैं, ABAAB हमारी राइम्स की इसमें अवेलेबल है, मेटाफर है, क्योंकि लाइफ को, रोड को लाइफ से, जो लाइफ है उसको रोड से सिंबलाइज किया गया है, तो यहाँ पर मेटाफर भी है। देन वी हैव टू फाइंड आउट द एलिट्रेशन, वैसे तो देखो यहाँ पर ही समझ आ जाता है, जब दो ऑप्शन हमारी हैं तो हमारा ऑल ऑफ दीज आ जाएगा, लेकिन अभी मैं आपको ये एक्सप्लेन भी करती हूँ कि एलिट्रेशन यहाँ पर कैसे है। देखिए वॉन्टेड वियर WW, जब रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट होता है, रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट है बेटा, वॉवल्स है, वॉवल्स AEIOU अगर होंगे तो एजोनेंस होती है पोएटिक डिवाइस, और अगर कॉन्सोनेंट रिपीट हो रहा है, WW वर्ड्स जो आपके रिपीट हो रहे हैं विथ सेम कॉन्सोनेंट हो रहे हैं, लगातार दो सेम कॉन्सोनेंट के वर्ड्स हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाता है, एलिट्रेशन। ये आप खुद भी फाइंड आउट कर सकते हैं, इसलिए आपको मैंने आइडिया दिया है कि कैसे यहाँ पर एलिट्रेशन है। नाउ पोएटिक डिवाइस क्या होते हैं बेटा, पोएम की जो ब्यूटी होती है उसको बढ़ाने के लिए, जो पोएम है उसकी ब्यूटी को बढ़ाने के लिए यूज़ किए जाते हैं पोएटिक डिवाइसेस। तो यहाँ पर राइम्स की, मेटाफर, एलिट्रेशन सभी हैं, तो यहाँ आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दीज, टू मेक अ डिफरेंस, ट्रेवल्ड अलॉट, चॉइसेस मेड बाय अ पर्सन। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, वी हैव टू टेक केयर ऑफ द कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर रेगुलरली, वियर टू फाइट अगेंस्ट COVID-19, वियर अ मास्क, एज वेल एज टेक केयर ऑफ द फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 feet और 2 yards। बेटा अब आप लोगों के लिए भी स्कूल ओपन हो रहे हैं, आप लोग भी 5th February के बाद स्कूल आएंगे, तो आपके कोई भी क्वेरीज हैं अपना रिवाइज कीजिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, अपने डाउट्स को लेकर आइए, ताकि आप उस टाइम को यूटिलाइज कर सकें, और साथ ही साथ आप कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को हमेशा ध्यान रखेंगे, खुद भी अवेयर रहेंगे, अपने साथ सभी को अवेयर रखेंगे, क्योंकि ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि हमें कोविड स्प्रेड होने से रोकना है, ये हम सब अपना कंट्रीब्यूशन देंगे, हम सब की जिम्मेदारी यही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितना हो सके हमें प्रिकॉशंस लेनी है, हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करना है, मास्क को यूज़ करना है, एक्स्ट्रा मास्क लेकर आएंगे आप सभी बच्चे, आप कंसेंट फॉर्म लेकर आएंगे जब आप स्कूल आएंगे, और साथ ही साथ अगर आपको लगता है, वैसे स्कूल में जगह जगह आपके पास सैनिटाइज़र है, सैनिटाइजेशन की पूरी फैसिलिटी अवेलेबल है, अगर आप चाहें तो अपना पर्सनल सैनिटाइज़र भी रख सकते हैं। तो बेटा इसी तरह से कीप लर्निंग एंड एंजॉयिंग, स्टे ब्लेस्ड एंड हेल्दी, हैव अ नाइस डे एंड बी इन टच, टच में रहिए इसी तरह, क्योंकि कोई भी इंफॉर्मेशन है तो मैं आपके पास इसी के थ्रू आप
आपके पास पहुंचा पाती हूँ, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपके पास पर्सनल नोटिफिकेशन आ जाए और आप समय पर अपना काम कर सकेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस।